हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विथ आयजा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि मेंदू वड़ा की रेसिपी है। तो बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम उड़द की दाल ली थी और उसे रात में मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था, और फिर मैंने सुबह में इसका पूरा पानी छान कर नितार लिया है। और अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इस तरीके से बारीक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। अब हमें इस पेस्ट को कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए हाथों की मदद से अच्छे से इस तरीके से बीट कर लेना है, ताकि जो आटा है वो हल्का और फ्लफी लगने लगे। तो यहाँ पर मेरे को कम से कम 8 से 9 मिनट लग गए थे आटे को अच्छे से बीट करके उसको फ्लफी बनाने के लिए। जब अच्छे से बीट होता है आटा तो हल्का लगने लगता है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट उसको अच्छे से बीट कर ली थी। 8 से 9 मिनट मैंने अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे कि ये जो आटा है वो हमारा सही से बीट हुआ है कि नहीं। एक कटोरी में पानी लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा बॉल आटे का डाल देंगे। अगर वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है तो मतलब कि वो सही है, पानी के ऊपर अगर तैरने लगेगा तो, और अगर नीचे बैठ जाएगा तो मतलब हमें आटे को और बीट करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो आटा परफेक्टली बीट करके हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून हरी मिर्चा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो कड़ी पत्ता और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया है। एक तरफ मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, और अब हम हाथों को पानी लगाएंगे ताकि जो हमारा इसका बैटर है वड़े का वो हमारे हाथ को चिपके ना। तो यहाँ पर हम जो है इसी तरह हाथों को गीला करते जाएंगे और आटे को हाथ में लेके उसे शेप देते हुए वड़े हम बना लेंगे, बीच में इसे एक होल करते हुए। अंगूठे की मदद से हमें इसे बीच में होल करना है। तो आप देख सकते हो कि वड़े जो है वो ऑयल में ऊपर तैर रहे हैं, मतलब हमारे वड़े बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बने, क्रिस्पी बनेंगे मतलब सॉफ्ट बने हैं। तो अब हम इसे फोक की मदद से फ्लिप करेंगे हल्के हाथों से। तो आप देख सकते हो कि वड़े को मैं अच्छे से हल्के हाथों से फ्लिप कर रही हूँ। एक तरफ से इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और सारे वड़े हमारे ऑयल में ऊपर तैर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से सारे वड़े बनाकर रेडी कर लूँगी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई होने तक। तो हमें यहाँ पर वड़ों को अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि वड़े जो है मेंदू वड़े हमारे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर एक छलनी में रख देंगे और इसी तरह हम सारे वड़े को फ्राई कर लेंगे। इतने आटे में कम से कम हमारे 15 से 16 वड़े बनकर रेडी हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा मेंदू वड़ा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे व्हाइट वाली कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर।